भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां उन्होंने प्रतापपुर विधानसभा सीट पर शकुंतला पोर्ते को मैदान में उतारा है। इसके बाद से प्रदेश में सीटों और उम्मीदवारी को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सूरजपुर का प्रतापपुर काफी हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र है। सूरजपुर के साथ ही बलरामपुर जिले के इलाके में भी ये पड़ता है, जहाँ पिछले विधानसभा में प्रदेश के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा इस इलाके के विधायक रहे, तो वहीं वर्तमान में पूर्व शिक्षा मंत्री और छत्तीसगढ़ योजना आयोग के अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जहां भाजपा विकास के मुद्दों के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं पर विश्वास है और इस बार भी प्रतापपुर के साथ ही प्रदेश में भी भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक ऐसा पार्टी जो कार्यकर्ताओं को मौका देता है। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मुझे भरोसा नहीं था कि कभी मुझे मौका मिलेगा, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए जो मांग रखा था और जो संगठन ने महसूस किया है, हमको इन पे भरोसा है, इनके कंधे पे चुनाव का पूरा जिम्मा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और कांग्रेस पार्टी भी आज से फॉर्म जमा करना शुरू हो गया है, जल्द ही अपने प्रत्याशी की घोषणा होगा।